आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड. हम यहाँ टीचर्स बैठेंगे, आप प्लीज पीछे बैठ खड़े हो जाइए, अपने आप को एडजस्ट कीजिए. ये तो मैंने आपको सिखाया ही हुआ है. Your help right now. Yes, lots of time. All the best and good luck. Enjoy your day. Thank you. सामने सामने प्रीति सुवानी शर्मा दीक्षा सुविधा संभ्याल सक्षम मारिया मनदीप एंड सो माई ग्रैटिट्यूड ऑफ टोकन फर्स्टली इट गोज़ टू माई ओन सेल्फ. जैसे कि एक सॉन्ग है दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें. सो आई एम द वन आई फील आई डिज़र्व टू बी द टॉपर बिकॉज मैंने मेहनत की है. एंड आई ऑल्सो फील दैट हर स्टूडेंट के पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू मेक दम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. सो एट द एंड वन शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and appreciate himself or herself by saying yes I am smart and I'm very proud of myself. Thank you ma'am. Aur kuch kehna chahenge aap? Nothing much, but it's always good to appreciate the ones who have always been there for you. The first name to be taken is that of Dr. Rajinder Kaur ma'am. Next, to be very specific, Sarita ma'am, Vinalata ma'am, Shalini ma'am, Rubina ma'am and Deep Bargotra sir. There's a very famous saying from a movie, Three Idiots, कि टीचर को पढ़ाना कैसे चाहिए वो आना चाहिए. एंड ये वो टीचर्स हैं जो मेरी नज़र में आई वुड प्रेफरेबली से कि पढ़ाते कैसे हैं वो इनसे सीखने की ज़रूरत है और बहुत हद तक बहुत हाई लेवल तक सीखा जा सकता है. तो विद दैट आई गिव रेस्ट टू माई वर्ड्स. क्या कहना चाहेंगे? आज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से विदा होने वाले हैं. बड़ा ही खुशनुमा दिन भी है और हमें उदासी भी छा रही है कि हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि हरफन मौला हैं, एकेडमिक्स में भी नंबर वन हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी टॉपर्स हैं. इसके अलावा वॉलंटियर्स भी हैं हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए. एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय द बेस्ट टीचर्स एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम देम दैट दे विल मेक अस फील प्राउड. द एंटायर कॉलेज इज़ ऑलरेडी प्राउड ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स. दे हैव बीन अचीवर्स थ्रू आउट द ईयर एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऑल्सो दे विल कम अप एज ब्राइट सिटीजन्स. थैंक यू. मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन. आज हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है. आज हमने अपने फोर्थ सेमेस्टर बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेलिसिटेट करने के लिए और फेयरवेल देने के लिए बुलाया हुआ है. और हमें लग रहा था कि स्टूडेंट जो हैं जब कॉलेज से निकल जाते हैं तो वो शायद पसंद नहीं करते आना, लेकिन इतने लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स जो थे वो आए हैं. उन्होंने अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाया है और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म की हैं. तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एक उनको फेयरवेल नहीं है, दिस इज़ ए वेलकम अगेन, जो कि मुझे लगा क्योंकि
स्टूडेंट्स की एसोसिएशन जो नाउ दे आर द एलुमिनाई ऑफ द कॉलेज, तो उस चीज़ के लिए दे वर क्वाइट हैप्पी कि अब हम भी एलुमिनाई हैं और हम कॉलेज के लिए ये करेंगे, ऐसा नहीं था ऐसा करेंगे. सो दैट एंथुजियाज्म वाज मार्वेलस इन देम. और मैं ये चाहूँगी कि इन स्टूडेंट्स की एसोसिएशन हमारे साथ बनी रहे और हम कॉलेज में जो है अच्छे से अच्छा आगे ए ग्रेड लाने के लिए जो भी हमने चाहिए हमें इनकी एसोसिएशन, वो इनसे हमें मिलती रहे. थैंक यू. Well, so this relationship will keep on continuing and we will keep on missing you, but you will keep on visiting your college. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I invite